बीजेपी के तीन बड़े नेता ने बीजेपी को लात मारकर कांग्रेस में शामिल हुए। बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले ही राजनीतिक में उठा पटक और दल बदल का दौर तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दतिया से भाजपा नेता एवं मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष अवधेश नायक ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में नायक ने कांग्रेस ज्वाइन की। नायक दतिया के कद्दावर भाजपा नेता माने जाते हैं। खास बात यह है कि वे पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। सागर जिले की सुर्खी के राजकुमार सिंह धनौरा और शायर गीतकार राहत इंदौर की पत्नी शायर अंजुम रब्बर ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आज रविवार को पीसीसी में दतिया के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अवधेश नायक और सागर जिले की सुर्खी के राजकुमार सिंह धनौरा ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दोनों नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। लंबे समय से इन दोनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही थी और आखिरकार आज दोनों नेता कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। इमारती देवी के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें पर एमपी कांग्रेस के चीफ कमलनाथ ने कहा, हमारे सिद्धांत क्या है, शिवराज सिंह का भी स्वागत है। आज अगर वे हमारे सिद्धांत मान लें और कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार कर लें तो वो भी अच्छे कार्य के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो कांग्रेस को और ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।